पूरे देश में फैमिली अदालतों में तलाक के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ परिवार न्यायालयों ने बहुत अनूठे प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। इंदौर में भी जब लोक अदालत होती है तो पहली कोशिश यही की जाती है कि दंपत्ति के बीच समझौता कराकर उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसा ही बिलासपुर में भी होता है। जी हाँ, यहाँ के कुटुंब न्यायालय द्वारा एक बेहद अनूठा प्रयोग किया गया। जो दंपत्ति यहाँ तलाक के लिए आते हैं उनके बच्चों के जन्मदिन यहाँ पर जज और कर्मचारियों द्वारा मनाए जाते हैं और ऐसा करने के पहले उन बच्चों के जन्मदिन पता करते हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है बच्चे के माध्यम से दंपत्ति के बीच सौहार्द बढ़ाया जाए। जब दंपत्ति भी अपने बच्चों के जन्मदिन कोर्ट में मनते हुए देखते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना पैदा होती है। बच्चों का जन्मदिन दूसरे लोग मना रहे हैं, इसके बाद उसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और हमेशा ऐसा होता है कि दंपत्ति आपस में बच्चों की खातिर समझौता कर लेते हैं। कुल मिलाकर परिवार न्यायालय का पहला दायित्व तो यही होता है कि वे फिर से परिवार बसा दें और बिलासपुर में यह जो पहल शुरू हुई है इसकी दिल्ली तक चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसकी बेहद प्रशंसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश के न्यायालयों में, खासकर परिवार न्यायालयों में, इस तरह के कई प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।